नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या कुछ हुआ है? एक महिला हो आप, महिला जो है थोड़ा हा इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट जो है रखती हैं, आस पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ है, रियल क्या है? बहन के माँ पप्पू गुजर गए थे, तब तो ये अकेली हैं, किसी से बात नहीं कर रही थी, ना किसी से बोल रही थी, ना किसी से मतलब रखती हैं। ये तो बस अपने आप ही रहती थी, पहले तो सामान लिया हुआ थी अपने आप ही हैं। अब एक डेढ़ साल तक ये बीमार ज़्यादा थी, इसलिए बाहर नहीं निकला जावा था इन पर, इसलिए अंदर ही अंदर रह थी। किसी से कोई बात भी करे, हम पड़ोसी भी बात करें तो जैसा नहीं, बात नहीं करती हैं। नाम क्या है इनके दोनों? इनका एक का चंचल है और एक का चांदनी है। हाँ जी, तो ये किसी से बात नहीं करती है, तो किसी से मतलब भी नहीं रखती। एक बार प्यार तो बोल दी, तो दूसरी बार गुस्से में आकर कह देती मैं तो ना बात करा करो, अगर कोई बात करा तो कहा मैंने बात करनी आपसे, आप जाओ घर जाओ आप अपने, इसलिए कोई बात ही नहीं कर जी अंत। जैसा कि मैन जी ने बताया है कि आप लोग यहाँ से 20-22 साल से हो, तो पहले जैसे आप लोगों से मिलती जुलती थी ये, इनकी माँ बाप एक्सपायर होने के बाद थे, जाते थे, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने ही है आपका, आमने सामने है, लेना देना भी करे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। पहले कैसा नेचर था दोनों बहनों का? अच्छा नेचर था, वैसे तो शुरू से ही है बहुत कम बात करे किसी से भी। हाँ, भी ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं खूब, एम कॉम बी कॉम कर रखा दोनों ने, पढ़े लिखे हैं खूब, और इससे ज्यादा तो ये किसी से तरह से जो बता रहे हैं कि एक डेढ़ साल पहले जो घटना जो हुई थी, बाइक वगैरह पे दो लड़के जो आए थे, वो तो क्या वो कुछ मामला? किराएदार हैं इनके वहाँ से राजीव कॉलोनी में, वो दुकान वाले होंगे, वो कुछ बात करते होंगे, ये किसी से बात करके तो राज्य है ही नहीं, ये हमसे बात कर जी मारता, ये दूरों पर करें, हमारे सामने रहने वाले हैं, तो उनका भी ऐसे ही ईंट आट मार दी होगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे मारने की वजह का पता नहीं लगा? ना ना, हमें नहीं पता लगा, रेंजसबाजी में कोई ऐसी बात होगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने बचाव के लिए, देखो अगर हम के लिए रहे यहाँ, हम अपने बचाव के लिए हम भी कुछ कर सके। मतलब भाई इस तरह की कोई घटना हुई हो तो घर पे फिर अपने आप को अंदर रोक लेना, किसी का डर हो बाहर निकलने में, कोई प्रेशर हो इनके, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है, मेरी रीढ़ की हड्डी से उठन जाता, इसलिए मैं सड़क का थोड़ी सी नीचे चारपाई पे तो उतर के यहाँ से सामान लेने लग जाती है। फिर चलो दूसरी बहन तो थी ना, छोटी को लगी चोट या बड़ी को? बड़ी को जी, बड़ी को। चलो छोटी थी दोनों, एक साल का ही जो है उम्र में उनका अंतर बताया गया, दोनों हम उम्र ही थी दोनों, और तो मतलब अगर चोट वगैरह लग जाती है तो उसका मतलब ये तो नहीं होता है उसको घर के अंदर ही जो है खुद को कैद कर ले, मतलब इस तरह की जो है सिचुएशन पैदा करना, क्या मानसिक रूप से तो जो मतलब ऐसा हो सका है जी, वो भी हो सकता है ऐसा, बस वे तो ना दो साल से तो बिल्कुल ही ज्यादा ही अंदर ही है। मैं मतलब पहले तो ही शुरू से ही सबसे मतलब कम रखा है। मम्मी पापा थे तभी से? हाँ जी, पहले से ही। भाई वगैरह कोई नहीं जी? भाई नहीं था इनके, दो बहने बहने हैं जी, फिर उसके बाद में कुछ वो ही नहीं हुआ। अच्छा, कोई और जैसे जिस टाइम पे इन्होंने बंद किया तो किसी रिश्तेदार वगैरह ने, किसी ने आके सबने कोशिश करी जी? हाँ जी, सबने कोशिश करी, इनके चाचा ताऊ ने भी कोशिश करी, उनको भी ऐसे उल्टा सीधा बोल रही थी, मार से कोई मतलब नहीं रखना, हमने यहाँ से जाओ आप, हम तो आप तो बात ही नहीं करनी, हमने ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे कर करके दूर परा करके ना सब इन्हें छोड़ दिया था। फिर इनसे बात? हाँ जी, सब सही, हम तो सामने ही रहते हैं, हमने कई बार कहा। पढ़ी लिखी है, डबल एमए किया हुआ है, तो कोई फ्रेंड वगैरह भी होती हैं तो किसी ने भी कोई भी आने जाने का कोई नहीं, ये किसी से मतलब ही नहीं रखती कोई लड़की, कोई कॉलेज की कोई लड़की ना, मैं होगा कोई अभी हमें पता नहीं जी, नहीं कॉलेज की लड़की कोई हो जो साथी हो, कोई इनकी किसी ने आने की, इनकी मम्मी जीवे थी ना तब इनके, बल्कि फैक्ट्री के लेडीज आ जाते उनके पास, अब उस दिन से वो गुजरी वाल ना फैक्ट्री में था कोई ना कोई कहीं से। ये दोनों बहने भी जॉब इन्होंने की है, इनकी मम्मी एक्सपायर होने के बाद करती थी जॉब? ये पता नहीं जी, देखो हमने तो इस बारे में जब मारसा तो बात करती ना, हमने पता इस बारे में, हमें लगता नहीं उन्हें जॉब करी शायद, एक डेढ़ साल करी है मम्मी के बाद, मुझे जस किसी स्कूल में पढ़ाया शायद उसने। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बड़े वाली ने, उसके बाद में हमें पता नहीं, फिर ये तो बस कुंडा ही बंद रखा है, किसी से मतलब नहीं रखते, बच्चों पे सामान मंगा लेती, सज्जंगड़े में नहीं ले लेते, बस ये है। अच्छा, अभी जब यहाँ से प्रशासन ने और जो है कुछ सामाजिक जो है संस्थाओं से जो लोग आए हुए थे उनको लेके गए हैं, तो आपने देखा होगा किस क्या हालत क्या थी? बिल्कुल खराब थी जी, बहुत ज्यादा खराब थी, उठा के एक को तो उठा के लेके गए। हाँ जी, दोनों नहीं उठा कर ले गए जी। हाँ जी, दोनों नहीं उठा कर ले गए, दोनों की हालत ज्यादा खराब थी, उन्होंने तो ऐसे पड़े थे कपड़ों में लपेट के लेके लेके गए। अच्छा, कपड़े भी इन्होंने ही पहनाए उनको। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ऐसी हालत थी उनकी, खराब थी बहुत ज्यादा, ज्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब थी किसी बात को लेकर। हाँ बस ये तो पता नहीं, देखो अब जैसे उनकी बात तो लगा जी, ऐसा कुछ थोड़ा दिमाग में थोड़ा वो था, तो
कोई बच्चा है जब इतनी पढ़ाई जो करता है और जॉब करने में सक्षम है, खुद का जो है गुजारा करने में सक्षम थी दोनों बहनें, काफी पढ़ी लिखी थी और मैच्योर भी थी, नादान भी नहीं थी, 34-35 वर्ष दोनों की उम्र जो हुई हुई है। तो जी अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, आप एक महिला हो इसीलिए मैं एक सवाल और कर रहा हूँ। जब इतनी एज उनकी हो चुकी थी तो मम्मी अभी उनकी 5 साल पहले ही जो है एक्सपायर हुई है, यानी कि उस टाइम पे वो 29-30 साल की होंगी दोनों महीने, तो उनकी शादी वगैरह का कुछ परिवार की मम्मी ने कई बार कहा जी बड़े वाली था कि शादी लड़का देखूं, मैं लड़का देखा भी उसने एक दो जगह, तो बड़े वाले लड़की ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करती, मैं किसी में कुछ गलती निकाल देती, लड़के में किसी में सास ससुर में गलती निकाल देती, कई जगह उन्हें देखा लड़का, लेकिन ये बड़े वाली ना ये मानी नहीं, फिर उनकी शादी होगी, बल्कि उनकी शादी भी इसी उसमें हुई, उनकी मतलब जो माँ मम्मी की उसकी मृत्यु इसी उसमें हुई। अच्छा। मैं मतलब दिमाग में कि भाई लड़कियों की शादी करनी, मैंने मान नहीं रही है। हाँ जी मैं नहीं, ज्यादा हो चुकी थी। हाँ जी, जी। क्योंकि वह फैक्ट्री में रहती तो टेंशन तो घर की तरह वही है जी। हार्ट अटैक से मौत हुई उनकी। हाँ जी, से क्या तो हार्ट अटैक से ही, देखो अब वो वैसे फैक्ट्री का पता है क्या सब है, फैक्ट्री वालों ने तो यही बोला कि उन्हें हार्ट अटैक आया, सुबह जब तैयार हो गया था। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। भाई ये थे मंदिर के जो महंत है, ये यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं से जो है जो भी जानकारी जो हमें मिली है वो हमने आप लोगों तक पहुँचाई है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस तरह के जो बहुत ही रेयर जो है केस होते हैं। अच्छा एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, जो इस तरह के देखो बहुत कम मामले जो है सामने आते हैं, और जो ये मामला जो सामने आया है और इस तरह के जो बहुत सारे लोग मतलब अपने आप को जो है ऐसे डिप्रेशन में, पता नहीं डिप्रेशन में होते हैं या खुद ही ले जाते हैं, खुद को घर में कैद कर लेते हैं, क्या कहना चाहोगे समाज को एक महिला होने के नाते? देखो जी ऐसा तो गलत बात है ना, अंदर रखना चाहिए, किसी तरह बोलना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि उनसे थोड़ा 6 महीने पहले, हाँ जी 6 महीने पहले इलाज हो जाता और अच्छी तरह हो जाता, अब ज़्यादा बेकार हो रही में, और अब गलत तो है ही जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इस बात ने बल्कि कई बार निकलते बढ़ते आते जाते तक आए थे जी, देखो ये ऐसे बंदा है, कुछ तो होना चाहिए। अच्छा इतने दिन से बंद थे, जो अभी जो सूचना प्रशासन को दी गई है, तो आस पड़ोस के लोगों ने पहले मतलब ये मन क्यों नहीं बना कि मतलब भाई 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब ये लगे? उन्होंने कई बार लोग बाग इकट्ठे करे, इनके चाचा उन्हें रिश्तेदार भी बुलाए, अपने करनाल से बुलाए, दिल्ली से बुलाए, की बार प्रशासन को बुलाया है, तो ऐसे प्रशासन को पहले क्यों नहीं बुलाया? प्रशासन आए थे जी पहले भी हॉस्पिटल से आए थे, लेकिन कुंडा नहीं खोला था, पुलिस वाले नहीं आए थे, पुलिस वाले अब की बार आए तो उन्होंने उनके ऊपर से कूद कर और कुंडा अपने आप खोला, 2.5 घंटे तक उन्होंने प्रयास करा जी, 2.5 घंटे तक उन्होंने जब गेट नहीं खोला नहीं तो ऊपर तक कूद का खोल कर गए, फिर भी तब लेके गए उनको जी। भाई ये देखिए इस तरह के मामले जो है मैं एक बार फिर बता दूं, बहुत कम जो है सामने आते हैं, और कहीं पे भी अगर आपको इस तरह का कोई मामला नजर आए अपने आस पड़ोस में, तो भाई प्रशासन को या किसी भी आपके आसपास किसी सामाजिक जो है संस्था को आप जो है संपर्क करें, क्योंकि ये जो है बहुत ही एक रेयर केस होते हैं इस तरह से, जो है कोई कभी कोई महिला या कभी कोई पुरुष जो है बहुत बार जो सामने आया है जिन्होंने खुद को ही अपने घर में जो है कैद कर लिया है, 1-2 साल के बाद जो उनको निकाला गया है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब जो है जिस तरह से इन दोनों बहनों की थी, इस तरह से जो है बहुत बार देखा गया है, लेकिन बहुत ही कम जो है इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो भाई आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने आसपास की जो है खबरें जो है आप प्रशासन को भी दें और प्रशासन का सहयोग भी करें इस तरह के मामलों में, या फिर किसी सामाजिक जो है संस्था से जो है आप संपर्क करके जो है इस तरह की खबरों की जो है सूचना आप दे सकते हैं। हरियाणा 1008 पर भी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस तरह का कोई मामला आपके सामने आता है तो आप हमारी टीम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो भाई इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त, आप देखते रहें हरियाणा 1008, सावधान रहें, सतर्क रहें, जय हिंद जय हरियाणा।